कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार देखने में आया कि नए नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं जिनको कांग्रेस को मजबूत करने के लिए डेलीगेट बनाया। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयकरण चौधरी साहब हैं, इन्हें भी डेलीगेट का जिम्मेदारी दी गई है। जयकरण चौधरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं डेलीगेट बनने पर। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, लगातार तीसरी बार आपको ये जिम्मेदारी मिली है? देखो, ये पार्टी का निर्णय है, सोनिया जी का, राहुल जी का, मौलाना हमारे दिल्ली के सीनियर नेता अरविंदर सिंह लवली जी का, मौलाना संदीप जी का, मौलाना जो है ना प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल जी का। कांग्रेस के नेताओं ने अगर मान लिया जो जिम्मेदारी है, तो मैं तो ये कहता हूँ मैं बखूबी उस निर्वाह को, मौलाना जो है जिम्मेदारी को बखूबी निर्वाह करूँगा। आपके साथ कई नए चेहरे भी कांग्रेस पार्टी ने डेलीगेट बनाए हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है, जो संगठन का महत्व है, संगठन के महत्व में हमेशा एक प्रक्रिया होती है कि पुरानों का मान सम्मान और नए लोगों को भी महत्व देना। उसी कड़ी में कांग्रेस ने तो हमेशा नया नेतृत्व निकल के आता ही रहता है। कुछ डेलीगेट तो ऐसे बना दिए जिन्होंने अपनी ज़मीन भी खो दी है विधानसभा लेवल पे, मैं अगर बात करूँ तो। नहीं, मैं नहीं समझता कि बड़े सारे सीनियर लोग बनाए हैं, तो राहुल जी आपको तो जानकारी है, ये आपको पता है कि जो ये, क्योंकि डेलीगेट्स का जो है, जो दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में 9000 डेलीगेट्स हैं, मतलब जो है ना कांग्रेस में, और इलेक्टेड हैं वो, निर्वाचित डेलीगेट हैं जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो 17 तारीख को चुनाव है उसमें वोट करेंगे। और उसमें तो सारे जो सारे सीनियर लोग हैं, ऐसे लोग हैं, मैं तो आपको बता, हमें तो गर्व है कि दिल्ली से आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, वो दिल्ली से डेलीगेट हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय नेता और हम सब की मार्गदर्शक, वो डेलीगेट हैं। आदरणीय वो जो है अजय माखन है, अरविंदर सिंह लवली जी हैं, सुभाष चोपड़ा जी हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, भाई अनिल हैं, मौलाना जो है ना संदीप जी हैं, तो सारे सीनियर लोग मौलाना जो है कांग्रेस के डेलीगेट बने। 17 तारीख को चुनाव होना है, क्या किसको वोट करने जा रहे हैं? देखो राहुल भाई, मताधिकार तो हमेशा अपना होता है, तो मैं तो कांग्रेस नेतृत्व में, हमारे यहाँ क्या है कि इस बार मौलाना जो है ना, मैं आपको ये एक बात कह सकता हूँ कि निष्पक्ष कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप ये लगाएं जहाँ लोकतंत्र है। आपने देखा होगा कि जो चुनाव होता है, आपने कांग्रेस के अलावा अध्यक्ष पद का कोई चुनाव देखा है? जो प्रक्रिया हमारी स्टार्ट है 17 तारीख को, सारे हिंदुस्तान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वोट डलेंगे, प्रक्रिया स्टार्ट है ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट की, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी दो उम्मीदवार हमारे हैं, तो उसको सारे हिंदुस्तान के पीसीसी डेलीगेट अपना वोट है, और 19 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार। उम्मीद किसकी लग रही है, खड़गे साहब या थरूर साहब? अब ये तो कांग्रेस हमारे लिए तो दोनों सीनियर नेता हैं, मौलाना जो है ना खड़गे साहब बड़े वरिष्ठ हैं, 7 बार के विधायक हैं, मौलाना जो है ना मेंबर पार्लियामेंट रहे 2 बार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, और बड़े सीनियर नेता है, बड़े अनुभवी नेता है। उसी के अनुरूप शशि थरूर जी हमारे लोकसभा से 3 बार के सांसद हैं, और पढ़े लिखे एजुकेटेड मौलाना जो है ना, और लगातार मेहनती और अनुभवी नेता है, तो मैं तो समझता हूँ कि दोनों हमारे शख्सियत ऐसी हैं कि निसंदेह, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी, जब गांधी परिवार ने निर्णय लिया कि हम चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, मौलाना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया। पार्टी किसको पसंद कर रही है? मैं तो अपने पार्टी का तो दोनों में बता आपको मैंने बताया, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, दोनों सम्माननीय नेता हैं, पार्टी के डेलीगेट्स पे निर्भर है कि क्या होगा, वो तो 19 को पता चलेगा। राहुल जी, वहीं बात करें भारत जोड़ो यात्रा, कितना कामयाब आप मान रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा की मैं आपको कह सकता हूँ कि हमने 1000 किलोमीटर राहुल जी ने ये पूरे करे हैं, और हमें गर्व है मौलाना कि हमें राहुल गांधी जैसा नेता मिला। देखो, मैं आपको अनुभूत खुद अपनी अनुभूति बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब महात्मा गांधी जी ने यात्रा करी मौलाना, उस टाइम मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं मौलाना राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस गांधी के दौर में मैं पैदा हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि एक हिंदुस्तान में नई अलख, नई ज्योत, नई दिशा अगर किसी नेता ने दिखाई है, तो आदरणीय राहुल गांधी ने दिखाई है। और जिस तरह आप देखो राहुल जी मौलाना जो है तमिलनाडु से ये स्टार्ट हुई यात्रा मौलाना, और तमिलनाडु से लगा के केरल, कर्नाटका मौलाना कुछ भी, अभी 1-2 दिन आंध्र में, 3-4 राज्यों में लाखों लाख आदमी, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, एक विश्वास जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश में नफरत का माहौल,
जो भाईचारा खत्म हो गया था उसको अगर किसी ने जगाया है, उसमें रोजगार मनाना जो है ना, युवाओं को एक रोजगार की किरण, राहुल जी में एक नेतृत्व की नजर के आ रही है, महिलाओं को ये लगता है सशक्तिकरण की मलाना जो है, शक्तिकरण मलाना कि वो जो है इसमें एक नया भारत का उदय मैं देख रहा हूँ मलाना। कितनी जरूरत थी आज 2022 के अंदर इस यात्रा की? मैं ये समझता हूँ कि इस देश में जो हालात है, जो माहौल है, उस यात्रा ने निस्संदेह एक जागृति पैदा करी है और कायाकल्प पलट की है हिंदुस्तान के लोगों को, एक आशा नज़र आई है इसमें मौलाना कि कोई ऐसा नेता है जो हमारी आवाज़ को बन सकता है, हमारी आवाज़ उठा सकता है और लोगों को, राहुल गांधी में करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को एक आशा की किरण नज़र आ रही है। जयकरण चौधरी जी, कांग्रेसी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि यूपी और दिल्ली आते हुए टाटा फिश हो जाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, किसी कांग्रेस के नेताओं का, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये नहीं कहना है। हमारे विरोधी हो सकते हैं, उनके वो विचार हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस के तो एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जहाँ भी ये यात्रा जाएगी, मेरा अपना खुद का ये व्यक्तिगत मानना है कि ये एक ऐसा कदम है। और आप राहुल जी, मैं आपको बताऊं, यात्राएं जो हैं, क्योंकि ये मजाक नहीं है, सुबेरे 4 बजे उठना, फिर शाम तक मलाना उस चीज़ को 4 से 5 घंटे सुबेरे के टाइम चलना, फिर ब्रेक लेके फिर 4 से 5 घंटे चलना, और लगातार 38 दिन इस यात्रा को हो चुके हैं मलाना जाना, और 3,570 किलोमीटर का तमिलनाडु से और कश्मीर तक की ये यात्रा है। ये कोई खेल नहीं है, जिस तरीके से राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है, और आंधी हो, राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में जिन्होंने मलाई खाई थी वो आज भी दिल्ली के अंदर चद्दर टांग के सो रहे हैं, वो घरों के अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस क्यों नहीं वो सड़कों पर निकल रहे, क्यों उन्हें डर लग रहा है, क्या ईडी सीबीआई का डर है? देखो, ऐसा है, मैं नहीं समझता कि ये सब चीजें है, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के मार्गदर्शन में, हर कांग्रेस का एक छोटे से छोटा करता, बड़े से बड़ा नेता सड़कों पे है, अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन दिल्ली में कहां है, दिल्ली का संगठन, लेकिन मैं बताता हूं, लेकिन कुछ मीडिया का, आप जैसे भाइयों के अलावा भी मलाना, हमारे पे दया दृष्टि कम है, हम सब चीज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन उनको दिखाया, लेकिन उनको दिखाया कम जाता है। राहुल जी चद्दर तान के सो रहे हैं, फिर भी सड़क पे नहीं आ रहे। नहीं, मैं नहीं समझता चद्दर तान के कोई नहीं सो रहा, कांग्रेस की आवाज़ हमेशा मलाना दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाती रही है और हमेशा उठाने का काम किया, इससे पहले भी, चाहे कोई भी हो, चाहे शीला जी के नेतृत्व में हो, चाहे लवली जी के नेतृत्व में हो, चाहे अग्रवाल जी के नेतृत्व में, हमेशा कांग्रेस ने ये आवाज़ उठाई है, कांग्रेस ने मलाना इस चीज़ को किया है। अभी भी हालात वही है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। नहीं, कैसे हालात है, देखो एक बात बताओ, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। कांग्रेस ने बलिदान अगर किसी पार्टी ने इस देश में दिया तो कांग्रेस ने दिया है, हम आज़ादी की आज सांस ले रहे हैं तो कांग्रेस मलाना उसमें योगदान हमारे नेताओं का, महात्मा जी का, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, पंडित मौलाना आज़ाद का, सब लोगों का कितना बड़ा योगदान। दिल्ली की अगर बात करें तो 2 महीने बाद में दिल्ली में चुनाव होना है, कितने तैयार है दिल्ली? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से तैयार है, चुनाव 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगा।